प्रखंड के तत्वानंदपुर पंचायत में खलवा टोला वार्ड संख्या 6 में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 192 का हुआ उद्घाटन, जिसका फीता काट कर रीता कुमारी महिला पर्यवेक्षिका बैरिया के द्वारा किया गया। वही रीता कुमारी का कहना है कि केंद्र संख्या 192 खोलने से यहां पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और जिनके माता पिता नहीं है उनको भी शिक्षा दी जाएगी। गर्भावस्था से लेकर 6 साल तक के बच्चों का टीका लगाया जाएगा और सभी बच्चों को पोषाहार और खाद्य पदार्थ वितरित किया जाएगा, जिसमें चावल, दाल, सोयाबीन इत्यादि दिया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी लाभ होगा वह दिया जाएगा। हर महीने बैरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एनएम के द्वारा टीका लगाया जाएगा और केंद्र से जो राशि आएगा इसमें जो लाभार्थी होंगे उनको ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म भरवा कर राशि मुहैया कराई जाएगी। वही सेविका श्रीमती नीता कुमारी का कहना है कि जो भी सामान या खाद्य पदार्थ आंगनबाड़ी में आएंगे उनको ईमानदारी पूर्वक वितरित किया जाएगा। यह केंद्र खुलने से यहां के छोटे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। वही प्रधान अध्यापक ललन यादव का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो भी बच्चे निकलेंगे वह मेरे विद्यालय नामांकन कराकर आगे की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। वही मुख्य अतिथि राजकीय माध्यमिक विद्यालय तद्वानंदपुर खलवा टोला के प्रधान अध्यापक ललन प्रसाद यादव मौजूद रहे। साथ में सेविका श्रीमती नीता कुमारी, सहायिका अनीता कुमारी आदि सभी भी उपस्थित रही। मैं रजत कुमार आंगनबाड़ी में स्वागत करता हूँ। मैं आया हूँ बैरिया प्रखंड के तद्वानंदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में। यहाँ पे एक आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आइए हम जानना चाहते हैं इस केंद्र से क्या लोगों को फायदा मिलेगा। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो उद्घाटन किया है इसमें आप क्या जानना चाहते हैं? इसमें है कि ये तद्वानंदपुर वार्ड नंबर 6 में केंद्र से 152 पर सेविका नीता कुमारी और सहायिका 152 और सहायिका अनीता कुमारी का चयन किया गया है। इस केंद्र का आज उद्घाटन किया गया। ये विद्यालय में केंद्र संचालित हो रहा है। ये सेविका यहाँ गर्भावस्था से लेकर के बच्चे के 6 वर्ष तक होने की अवस्था में, जैसे गर्भवती, प्रसूति, कुपोषित, अति कुपोषित बच्चे या स्कूल पूर्व के बच्चे, 3 से 6 साल तक के स्कूल पूर्व के बच्चे, उनको ये लाभ देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, जिसके यहाँ भी पहले गर्भवती माताएं होती हैं, जिनके यहाँ 2 साल से छोटी बच्चियां हैं, उनका ये निःशुल्क फॉर्म भरेंगे और इस योजना का लाभ करेंगे। परवरिश के लिए जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है और उनको किसी दूसरे के द्वारा पालन पोषित किया जाता है, तो वैसे बच्चों को जिनकी उम्र 0 से 18 साल है और उनके माता पिता नहीं है, उनके परवरिश के लिए सरकार के द्वारा 1,000 रुपया प्रति माह की राशि उनके परवरिश के लिए दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को भी ये भरेंगी। अभी जो चल रहा है चलती बुखार, AS, मस्तिष्क ज्वर, इसके लिए 6 साल से नीचे के बच्चों को काफी सावधानी पूर्वक रखने की जरूरत है। अभी हमको इनके द्वारा बताया गया कि ऐसा क्षेत्र में कोई भी बच्चा मिलता है जिसको चमकी बुखार हो, AS से पीड़ित हो, तो हमको तुरंत सूचना देंगे। इसकी सूचना हम अपने अग्र पदाधिकारी को देंगे और तुरंत मेडिकल टीम के द्वारा उस बच्चे की उचित जांच की जाएगी। इसमें जो खाद्य पदार्थ और प्रसाद मिलेगा, हाँ, कब का समय जो समय मिलता है? ये अभी तो चल रहा है टोकन विधि के अनुसार, टोकन व्यवस्था से चल रहा है, क्योंकि ये नया सेंटर है जिनके यहाँ अभी आप लोगों को सारे जितने भी लाभार्थी हैं सबको ऑनलाइन एंट्री करवाना होगा। आंगन पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एंट्री करवाएंगे, उसके बाद इनके द्वारा सेविका के द्वारा सत्यापन किया जाएगा कि इनका सही भी वो लाभार्थी है कि नहीं। सत्यापन करने के बाद से पटना से उनका CFMS के तहत वेरिफिकेशन होगा और तब वहां से टोकन जनरेट किया जाएगा। अगले महीने या उसके अगले महीने से टोकन जनरेट होगा और लाभार्थी के मोबाइल पे खुद ही SMS के द्वारा टोकन आएगा, या वो टोकन लेके आएंगे और ये सत्यापन करेंगे और TA4 राशि बांटेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रीता कुमारी, मैं HCDS मेरा परीक्षा बैठे यहाँ पे हमारे इस। आपका नाम? रीता कुमारी सेविका। ये जो केंद्र जो आंगनबाड़ी के यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम यहीं पर अपना काम करेंगे, जो भी काम होगा वह सब किसी के सहयोग से ईमानदारी पूर्वक करेंगे। जो भी राशि आएगा या बच्चों के लिए जो लाभ आएगा वो हम देंगे। जो यहाँ पे जो शिक्षक रहेंगे उनसे मिलके आप अपना वितरण कीजिएगा? जी, शिक्षक से मिल करेंगे, पूरे ईमानदारी से कीजिएगा। यहाँ पे जो बच्चों आएंगे बच्चों का देखभाल कीजिएगा? जी, पूरा देखभाल करेंगे। आपका घर? तादनपुर खलवा टोला, वार्ड नंबर 6। R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, बैरिया।
आपदा विपदा की इस घड़ी में जिला प्रशासन ने बहुत सारा काम किया है। वह चाहे रामनगर मसान नदी से 28 लोगों को बचाना हो या कोई अन्य विपदा की घड़ी हो, जिला प्रशासन हमेशा मौजूद रहा। मंगलवार को बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री सह प्रभारी मंत्री पंचमी चंपारण विनीत नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। श्री नवीन ने कहा कि जिले में 67,000 एकड़ नुकसान तथा 29,000 एकड़ गन्ना के नुकसान का आकलन किया गया है। सड़क पुल पुलिया के निर्माण कार्य जारी है, कुछ निर्माण हो रहा है। 260 स्थानों पर कटाव हुआ है जिसमें 226 का काम करवाया गया है। वहीं 102 और स्थानों पर जल संसाधन विभाग के क्षेत्र में कटा हुआ जिसमें 90 का कार्य पूरा हो चुका है। जिले में कुछ चनपटिया खरकापौरिया एवं मझौलिया के कुछ स्थान पर पानी भरा है जिसमें शीघ्र ही कार्य किया जाए, जिला प्रशासन के कार्यों को सराहा सकता है। वहीं प्रभारी मंत्री पत्रकार के कई सवालों पर भी जवाब दिया और अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा कराने की बात कही। जिलाधिकारी कुंदन कुमार, उप विकास आयुक्त, जिला संपर्क पदाधिकारी राजीव कुमार सहित उपस्थित रहे। 260 स्थानों पर कटाव हुए थे, चाहे वो पथ निर्माण के हों चाहे RWD के हों। उन 260 स्थानों में से 226 स्थानों में काम पूर्ण कराकर उसको मोटरबूट करा लिया गया है और 34 स्थान जो बचे हुए हैं उनको भी यथाशीघ्र कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें एक विषय यह भी है कि RCD को लेकर जो सड़कें अभी हम लोग मोटरबूट कराए हैं छठ के उपरांत, उसको पूरी तरह से लोगों के सुविधा के हिसाब से और जो हमारा OPRC का मेंटेनेंस पॉलिसी है उसके तहत हम उसको पूरी तरह से मेंटेन करके देंगे। साथ में जल संसाधन विभाग जो सिंचाई अपना इरीगेशन डिपार्टमेंट का है उसमें भी 102 स्थानों पे कटाव हुआ था जिसमें करीब 90 स्थानों का पूर्ण काम हो गया है, 10 स्थान अवशेष अभी बचे हैं तो उनको भी यथाशीघ्र कराने का निर्देश दिया गया है। इस पूरे आकलन में जहाँ क्या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय पर उसका समाधान जरूरी है और काफ़ी समय से वो चला रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी और इरीगेशन डिपार्टमेंट ने भी प्रस्ताव बनाया है जिसको लेकर आज सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला विषय था कि रामनगर अंचल के मसान नदी के दोनों तरफ रिंग बांध बनाने का। मसान नदी के बारे में आप सभी को जानते हैं और उसकी समस्या से आप सभी वाकिफ हैं, तो उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और इसका DPR भी बना है और आने वाले समय में इसको हम लोग जितना रिंग बांध कर निर्माण, साथ ही साथ इसको लेकर हम लोगों ने ये भी विचार किया है जो जनप्रतिनिधियों की राय आई और जिला प्रशासन ने कि बहुत जल्द हम लोग एक अध्ययन टीम मशान नदी को लेकर, क्योंकि इसका बढ़ाव और बाकी चीज़ों का जो अलग अलग सुझाव आ रहे थे और क्या क्या इसमें और करने की आवश्यकता है इसको लेकर जल संसाधन विभाग से बातचीत करके बहुत जल्द एक अध्ययन टीम आएगी और इसका रिपोर्ट के आधार पर हम लोग भविष्य में भी काम करेंगे। R9 भारत के लिए जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, बिहार।